अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि cot x इंटू cot ऑफ 2x प्लस cot ऑफ 2x इंटू cot ऑफ 3x प्लस 2, ये इक्वल टू होगा cot x इंटू cot x माइनस cot ऑफ 3x के बराबर होगा। तो चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, cot x इंटू cot 2x फिर प्लस लेफ्ट हैंड साइड को ये जो 2 है इसको मैं प्लस 1 और प्लस 1 के फॉर्म पे लिख रहा हूँ, तो cot 2x इंटू cot 3x प्लस 1। अब ये जो cot है इसे cos अपॉन sin के फॉर्म में लिखते हैं, तो cos x अपॉन sin x, फिर ये cot 2x को लिख रहे हैं cos 2x अपॉन sin 2x, फिर ये प्लस 1। इसी तरीके से अगले पद को लिख रहे हैं cos 2x अपॉन sin 2x, और cot 3x को लिख रहे हैं cos 3x अपॉन sin 3x, फिर ये प्लस 1। इन दोनों पदों को जब LCM निकालेंगे इसका, तो आपको मिल जाएगा sin x इंटू sin 2x, और अंश में आपको मिल रहा है यहाँ पे cos x इंटू cos 2x, फिर प्लस ये वाला पद आ जाएगा sin x इंटू sin 2x। इसी तरीके से ये जो दूसरा पद है इसका भी LCM आएगा sin 2x इंटू sin 3x, और यहाँ पर आपको मिलेगा cos 2x इंटू cos 3x, फिर प्लस ये पद आएगा sin 2x इंटू sin 3x। ये देखिए कि ये जो अंश में जो पद दिख रहा है ये cos ऑफ 2x माइनस x का विस्तार है, और हर में है यहाँ पर sin x इंटू sin 2x, फिर प्लस, फिर यहाँ पर जो अगला पद है ये cos 3x माइनस 2x का विस्तार है, और फिर अपॉन sin 2x इंटू sin 3x। इसे जब आप आगे सॉल्व करेंगे cos ऑफ 2x माइनस x ये मिल जाएगा आपको cos x, और अपॉन sin x इंटू sin 2x। इसी तरीके से ये वाला पद मिलेगा आपको cos x अपॉन sin 2x इंटू sin 3x। इन दोनों पदों से यदि cos x को कॉमन ले लिया जाए और sin x का गुणा और भाग कर लिया जाए, तो ये आ जाएगा sin x अपॉन sin x इंटू sin 2x, फिर प्लस sin x अपॉन sin 2x, और ये sin 3x। ये जो cos x अपॉन sin x है इसे आप लिख सकते हैं cot x। देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये cot x, और अगला पद cot x माइनस cot 3x हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो अंश में पद है इसे कुछ इस तरीके से मैनेज करेंगे कि sin ऑफ 2x माइनस x सॉल्व करेंगे तो sin x आ जाएगा, इसी तरीके से अपॉन हर को उसी तरीके से लिख देंगे sin 2x, फिर यहाँ पर जो sin x है इसे हम लिख रहे हैं sin 3x माइनस 2x अपॉन sin 2x इंटू sin 3x। अब यहाँ पर जो पद दिखाई दे रहा है इसका हम विस्तार कर देते हैं, इक्वल टू cot x और फिर sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन ये है sin x इंटू sin 2x, और फिर माइनस साइन के साथ प्लस साइन के साथ में ये आगे वाला पद sin ऑफ a माइनस b। तो यहाँ पर आप लिखेंगे sin a cos b माइनस cos a sin b इस फॉर्म पे, फिर ये अपॉन sin ऑफ 2x इंटू sin 3x, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। अब देखिए ये पद अपॉन दिस एंड माइनस साइन के साथ दिस अपॉन दिस, इसी तरीके से प्लस दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे, तो आगे जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा cot x इंटू cos x अपॉन sin x, फिर माइनस cos ऑफ 2x अपॉन sin ऑफ 2x, प्लस cos ऑफ 2x अपॉन sin ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 3x अपॉन sin ऑफ 3x। ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, आपको आगे मिलेगा cot x, cos x अपॉन sin x को आप लिख सकते हैं cot x, ये दोनों पद कैंसिल हो गए,
माइनस कॉस 3x अपॉन साइन 3x को आप लिख सकते हैं कॉट ऑफ 3x। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड पर पहुंच चुके हैं, इस तरीके से यह सिद्ध होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जहां पर है कि यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये a के इक्वल है और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ये b हो तो दर्शाइए कि पहला में शो करना है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा, और दूसरा यह कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे हल करते हैं। तो जो चीज़ें दी गई है उसे पहले लिख लेते हैं। दिया है a इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा समीकरण एक, और b इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ये समीकरण दो। हमें सिद्ध करना है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अंश और हर में जो राशियां दी गई उसे हम पहले निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकाल रहे हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ये वाला पद का वर्ग और इस दोनों का पदों का वर्ग करके हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो देखिए ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस, इन दोनों पदों का विस्तार करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये देखिए कि ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है ये वन हो जाएगा, इसी तरीके से साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये वन हो जाएगा, फिर टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। हम यहाँ पर लिख रहे हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। अब ये वन प्लस वन टू प्लस टू, देखिए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का विस्तार है, तो इसे हम लिख रहे हैं टू टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल में, इसे हम समीकरण तीन नाम देते हैं। अब हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर। आगे जब हल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस और माइनस यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इन पदों को हम अरेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर ये जो पद है टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा ये होता है कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कुछ देर पहले हमने इसे देखा था। इसी तरीके से ये जो कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है इसे हम लिख सकते हैं प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस अल्फा इनटू कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, और फिर ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ये जो है ये कॉस अल्फा, फिर हमें मिल जाएगा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा। अब इन पदों को हम अरेंज करके लिख लेते हैं, वो कुछ इस प्रकार से कि कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा फिर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
2 को यदि हम कॉमन ले लें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा है, थोड़ी देर पहले हमने ये सूत्र के रूप में देखा था कि इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसे आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ बीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, फिर प्लस टू टाइम्स ये जो पद है टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का विस्तार है। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, फिर प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यदि इसका क्रम परिवर्तित कर दें तो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस वजह से इसका जो क्रम है इसे परिवर्तन करने पर यहाँ चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, फिर प्लस टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए ये कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये दो बार है, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं टू टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा और फिर प्लस टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को कॉमन लें तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा टू टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस टू। अब यहाँ से देखिए समीकरण तीन से टू प्लस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये वाला जो पद है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। समीकरण तीन से हम ऐसा लिख पा रहे हैं। अब यहाँ से हम कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसका आप क्रम भी बदल सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये जो पहला हमें सिद्ध करना था ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हमें यह ज्ञात है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से आप मान रख दीजिए स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का मान ये है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे जब आप हल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको जो मान मिलेगा वो होगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे हल करने पर आपको मिलेगा टू ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यही है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो कि हमें ज्ञात करना था। तो इस तरीके से ये भी सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा व बीटा समीकरण ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी के हल हो तो सिद्ध कीजिए। इसमें हमें पहला सिद्ध करना है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होगा टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो चलिए हल करते हैं। दिया है जो समीकरण वो है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी, ये समीकरण एक है, और कहा गया कि अल्फा व बीटा जो है इस समीकरण के हल हैं। हल का तात्पर्य यदि एक्स के स्थान पर हम अल्फा रखेंगे तब भी हमें सी मिलेगा, और एक्स के स्थान पर अगर बीटा रखें तो भी हमें उसका हल सी मिलेगा, उसका मान हमें सी मिलेगा।
तो चर राशि का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का हल या फिर मूल कहलाता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम पहले a cos x को लेफ्ट साइड पर रख रहे हैं और बाकी पदों को पक्षांतर कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करने पर मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2bc sin x। अब ये जो cos स्क्वायर है इसे हम साइन स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये पूरा का पूरा जो पद है ये साइन स्क्वायर एक्स में या साइन एक्स में परिवर्तित हो चुका है। तो ये जो समीकरण है ये साइन एक्स में वर्ग समीकरण दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2bc साइन एक्स प्लस सी स्क्वायर। ये पद को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर जो गुणांक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम एक साथ लिख सकते हैं और इन टू साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस 2bc साइन एक्स और फिर अंत में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। माना ये समीकरण दो है। अब हम यह कह सकते हैं कि चूँकि अल्फ़ा व बीटा समीकरण एक के मूल थे के मूल हैं, तो साइन अल्फा व साइन बीटा समीकरण दो के मूल होंगे। पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो यदि एक वर्ग समीकरण हो और अल्फा व बीटा इस समीकरण के मूल हो, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये माइनस बी अपॉन ए होता है। बी जहाँ पर एक्स का गुणांक है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल ये होता है सी अपॉन ए। सी कॉन्स्टेंट टर्म है और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो वर्ग समीकरण में मिल रहा है ये साइन एक्स में एक वर्ग समीकरण मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका जो मूल होगा वो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा होगा। तो इससे हम साइन अल्फ़ा और साइन बीटा ये दो मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और सी वहाँ पर है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला है कि साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पुनः समीकरण एक से हम लिख सकते हैं कि बी इंटू साइन एक्स इक्वल टू सी माइनस ए कॉस एक्स। दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग कर दें तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ac कॉस एक्स। यहाँ पर जो समीकरण हमें दिखा था इसमें हमने पूरे पदों को साइन के पदों में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पर जो हमें पद मिल रहा है राइट हैंड साइड में ये कॉस के टर्म में है, तो ये जो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है इसे हम कॉस के पदों में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर ये इक्वल टू आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ac इंटू कॉस एक्स। अब यदि पूर्व की भांति इसे भी हम वर्ग समीकरण के रूप में लिखें तो हम इसे लिख पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ac कॉस एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब ये मान लेते हैं कि ये समीकरण तीन है। अब पूर्व की भांति जैसे कि अल्फ़ा व बीटा समीकरण एक का मूल था, अतः हम यह कह सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा व कॉस बीटा समीकरण तीन के मूल होंगे। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा सी अपॉन ए, और सी के स्थान पर यहाँ पर है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए के स्थान पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला है कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा यदि हमें निकालना हो तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2ac और अपॉन ए
ए के स्थान पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई है। अब हमें पहला सिद्ध करना है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा ये है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका भी जो हर राशि है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अतः हम यहीं पर लिख रहे हैं इसे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यदि इसे माइनस से गुणा करें तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमें मिल रहा है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहला सिद्ध होता है। दूसरा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा ये है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ये है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हर में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा टू सी स्क्वायर, फिर ये माइनस ए स्क्वायर और फिर ये माइनस बी स्क्वायर। और यदि हम माइनस को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पर हम प्लस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सिद्ध होता है कि इस प्रश्न के लिए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू टू सी स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न है यदि कॉस ए प्लस साइन बी ये एम के बराबर हो और साइन ए प्लस कॉस बी ये एन हो, तो हमें सिद्ध करना है कि टू टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी ये जो होगा ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू के बराबर होगा। तो चलिए जो राशियां दी गई है उसे हम पहले लिखते हैं। दिया है कि कॉस ए प्लस साइन बी ये एम के बराबर है, माना यह समीकरण एक। दूसरा दिया है साइन ए प्लस कॉस बी ये एन के बराबर दिया गया है, समीकरण दो। हमें सिद्ध करना है राइट हैंड साइड में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू है, तो हम इसके राइट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू करेंगे तो इसका मतलब ये पद का वर्ग धन ये पद का वर्ग ऋण दो। तो कॉस ए प्लस साइन बी इसका वर्ग धन साइन ए धन कॉस बी इसका वर्ग और ऋण दो। कॉस ए प्लस साइन बी का हमें वर्ग लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस टू कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से इस पद का वर्ग लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस टू साइन ए कॉस बी और ये माइनस टू। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, इसका मान एक हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इसका मान एक हो जाएगा। और ये दोनों पदों में यदि हम टू कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा टू टाइम्स कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी और फिर ये माइनस टू। प्लस वन ये टू और ये माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर आएगा टू। ये देखिए कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी ये साइन ऑफ ए प्लस बी का विस्तार है, राइट हैंड साइड को लेकर के चले थे और लेफ्ट हैंड साइड पे पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से यह सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है यदि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई ये इक्वल टू हो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के, तो दर्शाइए कि टेन एक्स अपॉन टेन वाई जो होगा
ये a अपॉन b के बराबर होगा। तो हल करने के लिए हम ये जो सिद्ध करना है उसे मान लेते हैं, और हम ये दिखा देंगे कि साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होगा, ये हम दिखा सकते हैं। तो चलिए हम ये मान करके चलते हैं कि माना tan x अपॉन tan y जो है ये a अपॉन b के बराबर है, और हमें जो सिद्ध करना है ये साइन के पदों में है। तो इस तरीके से ये जो tan x है इसे हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, और ये जो tan y है इसे हम लिख सकते हैं sin y अपॉन cos y इक्वल टू a अपॉन b। अब राइट साइड में देखिए ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि योगांतर अनुपात का उपयोग कैसे करते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर हम देखें कि a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d हो, तो ये योगांतर अनुपात है वो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d मिलता है, योगांतरानुपात। तो इसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन x इंटू कॉस वाई प्लस ये हर में जो पद है कॉस x इंटू साइन y, फिर अपॉन फिर साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y, अंश में राइट हैंड साइड में a प्लस बी और अपॉन a माइनस बी होगा। तो ध्यान दीजिए कि ये साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b ये साइन x प्लस वाई का विस्तार है, उसी तरीके से हर में जो राशि दी गई है या प्राप्त हुई है ये साइन ऑफ a माइनस बी का विस्तार है। तो इक्वल टू हमें मिल गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो जो हमें दिया गया था वो हम मान करके चले थे, और जो हमें दिया गया था उसे हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है कि साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होगा यदि tan x अपॉन tan y इक्वल टू a बाई बी हो। तो अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस a कॉस b प्लस साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन कॉस b कॉस c प्लस साइन c माइनस c ऑफ साइन c ऑफ साइन ऑफ c माइनस a अपॉन कॉस c इंटू कॉस a, a इक्वल टू ज़ीरो हमें प्रूफ करना है। तो लेफ्ट साइड को लेकर के चलते हैं। पहले एक एक पदों को हम ले लेते हैं, साइन ऑफ a माइनस b अपॉन कॉस a कॉस b। साइन ऑफ a माइनस b ये साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, फिर ये अपॉन में है तो एक एक पदों को हम इंडिविजुअल अपॉन में ले लेते हैं, तो यह जाएगा कॉस a कॉस b, और फिर ये इस साइन को हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसको अपॉन में लिख लेते हैं कॉस a कॉस b। तो ध्यान से देखिए ये कॉस b अंश और हर में है, कैंसिल हो जाएगा, साइन a अपॉन कॉस a, यहाँ से आप लिख सकते हैं टेन a, फिर माइनस कॉस a और कॉस a अंश और हर में है कैंसिल हो जाएगा, साइन b अपॉन कॉस b बचेगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टेन b। माना ये समीकरण एक है। इसी तरीके से साइन ऑफ b माइनस c अपॉन कॉस b कॉस c, साइन b माइनस c तो यह जाएगा साइन b कॉस c माइनस कॉस b साइन c, फिर ये अपॉन में है कॉस b कॉस c से यहाँ पे लगा लेते हैं साइन, और फिर ये कॉस b कॉस c। अब देखिए कि ये कॉस c और ये कॉस c दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा साइन b अपॉन कॉस b, तो इसे आप लिख सकते हैं टेन b, और फिर माइनस ये कॉस b और ये कॉस b कैंसिल हो जाएगा, साइन c अपॉन कॉस c इसे आप लिख सकते हैं टेन c। माना ये समीकरण दो है। इसी तरीके से तीसरा साइन ऑफ c माइनस a अपॉन कॉस c इंटू कॉस a, ये आप लिखेंगे साइन c कॉस a माइनस कॉस c साइन a अपॉन कॉस c कॉस a, सेपरेट करके लिखेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं साइन c कॉस a अपॉन कॉस c
कॉस ए, फिर माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। तो ये कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन सी अपॉन कॉस सी आप लिख सकते हैं टेन सी माइनस, यहाँ पर देखिए कॉस सी और ये कॉस सी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इसे आप लिख सकते हैं टेन ए। माना ये समीकरण तीन है, तो समीकरण एक दो व तीन को जोड़ने पर हमें मिलेगा साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, फिर प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, फिर प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए इक्वल टू, यहाँ पर है हमारे पास ये टेन ए माइनस टेन बी, फिर प्लस टेन बी माइनस टेन सी, और फिर यहाँ पर ये है प्लस टेन सी माइनस टेन ए। तो देखिए टेन ए प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, टेन बी माइनस है और यहाँ पर टेन बी प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, टेन सी प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें यह रिज़ल्ट मिल रहा है कि साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए इक्वल टू ज़ीरो, और यही हमें सिद्ध करना था।